नमस्कार, मैं नीना गर्ग, प्रवक्ता कमर्शियल आर्ट। आज हम लोगो पर बात करेंगे। लोगो कोई भी ऐसा कॉपीराइट रजिस्टर्ड चिन्ह जो ट्रेडिंग, एडवर्टाइजिंग इत्यादि में कंपनी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, उसे लोगो कहते हैं। इस लोगो के सृजन में ग्राफिकल इमेज, एब्स्ट्रैक्ट या टेक्स्ट का उपयोग किया जा सकता है। आपके सामने दो कलर में हीरो कंपनी का लोगो है। इस लोगो के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। पहला ऊपर दिखाई दे रहा लोगो मार्क, दूसरा हिस्सा नीचे वाला टेक्स्ट जो लोगो टाइप के नाम से जाना जाता है। इन दोनों हिस्सों यानी लोगो मार्क और लोगो टाइप को मिलाकर लोगो या सिग्नेचर कहा जाता है। ऊपर लोगो मार्क में ध्यान से देखने पर नेगेटिव एरिया में लेटर एच दिखाई देता है। इस लोगो में लोगो टाइप को ही लोगो की तरह प्रयोग किया गया है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं जिनमें लोगो टाइप को लोगो की तरह प्रयोग किया गया है, जैसे कैडबरी, कोका कोला, अमूल, किसान, लेज, पतंजलि, कोलगेट, हल्दीराम, पीकाजी इत्यादि। आपके सामने जो लोगो है उसे हम लोगो टाइप कह सकते हैं। यह एक बेबी कॉस्मेटिक निर्माता कंपनी है जिसकी सॉफ्टनेस आप इसके लोगो टाइप में देख सकते हैं। लोगो सृजन करते वक्त प्रोडक्ट कैरेक्टर, कंज्यूमर, सरफेस टू बी प्रिंटेड जैसी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। फेयर एंड लवली ब्रांड की महिलाओं व पुरुष के लिए अलग अलग फेस क्रीम आती हैं, जिनमें महिलाओं के लिए क्रीम में स्क्रिप्ट फॉन्ट व पुरुष के लिए एक्सपेंडेड सैंस सेरिफ फॉन्ट का उपयोग देखा जा सकता है। महिलाओं के लिए डेलिकेसी का ध्यान रखते हुए थिन स्क्रिप्ट फॉन्ट का चुनाव और पुरुषों की क्रीम में बोल्डनेस दिखाने के लिए एक्सपेंडेड फॉन्ट का चुनाव किया गया है। इसी तरह का चुनाव टाइप की बोल्डनेस दिखाने के लिए MRF में एक्सपेंडेड फॉन्ट, रॉयल फील देखने के लिए विभिन्न होटल समूह में सेरिफ फॉन्ट का चुनाव और मॉडर्निटी दिखाने के लिए सेंस सेरिफ फॉन्ट का चुनाव लोगो में देखा जा सकता है। लोगो में प्रोडक्ट कैरेक्टर दिखाने के लिए टाइप फेस के अलावा रंगों का भी चुनाव उनके अनुसार किया जाता है। हर्बल प्रोडक्ट में अर्थ कलर्स, बच्चों के प्रोडक्ट्स में पेल कलर्स और वयस्कों के लिए डार्क कलर्स का उपयोग देखा जा सकता है। आशा करती हूँ अब से यदा कदा लोगों को देखते वक्त आप इन बातों का स्मरण करते हुए उनका अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।